समय की तिजोरी है सबके पास, समय की तिजोरी है सबके पास, हर श्वास रखी है इसमें खास। हरि नाम में निवेश किया तो धन संपत्ति बढ़ाओगे, हरि नाम में निवेश किया तो धन संपत्ति बढ़ाओगे, और बिन सोचे खर्च किया तो सब कुछ गवाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका मार्च राशिफल में। मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, क्या क्या आपके लिए लेकर के आया है, कौन कौन से त्योहार पड़ रहे हैं, कौन से ग्रह बदल रहे हैं और आपकी किस्मत को प्रभावित कर रहे हैं, सभी कुछ जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जन्म कुंडली में आपकी जो भी सटीक राशि है उसी के हिसाब से आप इस राशिफल को देखें, आपके साथ ही पूरा मेल खाएगा। और अगर आपको नाम राशि पता है, अपनी असली राशि नहीं पता है, तो उसके द्वारा भी देख सकते हैं। साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन होता है, जो भी आभास प्राप्त होता है, उसके द्वारा भी मैं ये राशिफल आपको बताती हूँ। हो सकता है पूरा का पूरा राशिफल आपके साथ मेल खा जाए, हो सकता है कुछ ऐसे मैसेजेस हो जो आपके किसी और साथी के लिए हो, तो जितना भी मिले उसे रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये एक कॉमन प्रिडिक्शन है। कोई खास सलाह प्राप्त करना चाहते हैं, कोई एडवाइस प्राप्त करना चाहते हैं, पर्सनली अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क हमारे सिद्ध दरबार में आए और शनिदेव की कृपा अपने साथ ले जाए। चलिए अब जानते हैं कौन से त्योहार इस महीने में आने वाले हैं। ये महीना जो है मार्च का बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इसमें शिवरात्रि भी है और होली भी है। तो चलिए फेस्टिवल्स जानते हैं। 6 मार्च को विजय एकादशी मनाई जाएगी, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, 12 मार्च से फुलेरा दौज यानी होली का उत्सव प्रारंभ हो जाएगा, 20 मार्च को अमलाकी एकादशी है, 24 मार्च को होलिका का दहन है और 25 मार्च को रंग वाली होली है, यानी कि होली का उत्सव उस दिन मनाया जाएगा। चलिए अब आपको ग्रह गोचर बता देते हैं कि कौन सा ग्रह आसमान में किस प्रकार से परिवर्तन करेगा और आने वाले समय में आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा। सूर्य जो है वो 14 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा महीने के शुरुआत में अपनी मीष राशि यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे और अंत में धनु राशि में गोचर करेंगे, मंगल जो है 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बुध जो है वो 7 मार्च को मीन राशि में रहेंगे, बृहस्पति मेष राशि में ही बने रहेंगे, शुक्र भी इस महीने परिवर्तन करेंगे और 7 मार्च को कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, शनि ऑलरेडी कुंभ राशि में है उसी में बने रहेंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप धन को लेकर के इस मंथ में काफी ज्यादा अग्रेसिव होने वाले हैं, यानी कि आप काफी ज्यादा धन कमाने की प्रवृत्ति आप में बढ़ जाएगी, आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, आपकी डिजायर्स बढ़ जाएंगी। हो सकता है कोई चीज आपको ट्रिगर करे, किसी व्यक्ति के आप घर जाएं, किसी को देखें कि आपके आसपास में कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसको देख करके कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि हमें भी बहुत मेहनत करनी है और अपने स्टेटस को आगे बढ़ाना है। तो उसे लेकर के मुझे लगता है आप कुछ प्लान्स बनाएंगे और उस प्लान्स पे एकदम कूद पड़ेंगे, एकदम आप उसके तरफ लग जाएंगे कि हमें काम करना है, चाहे इसके लिए हमें अपना पर्सनल लाइफ कुर्बान करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें अपना नींद को खराब करना पड़े, अपना सुख चैन खराब करना पड़े, लेकिन आप चाहेंगे कि हम किसी तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रोथ दें। और मार्च के महीने में किस्मत भी आपका साथ जरूर देगी और फाइनेंशियली आप ग्रो करने की तरफ बढ़ेंगे, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहेंगे और किस्मत आपका साथ देगी तो आप कर भी पाएंगे। तो इस महीने में ग्रोथ तो आपके लिए दिख ही रही है, पैसे को लेकर के ग्रोथ दिख रही है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है, काफी सारे लोग मुझे कुछ नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई आप इन्वेस्टमेंट का नया प्लान देखें, कोई LIC वगैरह या ऐसा कोई म्यूचुअल फंड वगैरह देख सकते हैं, या कुछ लोग शेयर मार्केट में भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। तो कुछ छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप मुझे करते हुए समय में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बहुत समय से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस मंथ में वो भी आपके लिए संभव है।
कुछ लोग तो मुझे किसी के साथ क्लब करते हुए, साथ में कोई प्रॉपर्टी या तो खरीदते हुए या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए या जड़ से अपना मकान बनाते हुए तक दिख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के संबंध में बात करें तो मार्च आपके लिए अच्छा जाएगा, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आपकी ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है, तो मार्च में उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपको जरूर अच्छे रिजल्ट उससे प्राप्त होंगे। अगर आप जॉब में हैं और आप जॉब में अभी तक थोड़ा सा आराम से काम कर पा रहे थे, तो मार्च थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है, क्योंकि आपके जो सीनियर होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे स्पेशली टारगेट करके टॉर्चर कर रहा है। तो एक ऐसा इंसान मार्च के महीने में आपके ऑफिस में आपको मिल सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, कोलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, जो कि आपको टारगेट करके थोड़ा आप पे ज्यादा प्रेशर बनाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने साथ खुश रहेंगे। अगर आपका कोई पेट है तो आप उसके साथ अपना अच्छा समय बिताएंगे। मोर ओवर आप तो मुझे अच्छे ही दिखाई दे रहे हो, आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जॉब में थोड़ा सा लोग आपको टारगेट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की ज़्यादा टेंशन आपको लगती है आपके जॉब प्लेस पे, आपकी वर्क प्लेस पे, तो आपको वहाँ पे कोई चॉइस ज़रूर मिलेगी, आपको कोई चॉइस दी जाएगी, या फिर कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है, या कोई चॉइस आपके सामने आ सकती है जो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे और इस प्रेशर से आप बाहर आ जाएंगे। इस समय में आपका खर्चा करने का मन बहुत ज्यादा करेगा, आपका मन करेगा ये भी खर्च करें वो भी खर्च करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को होल्ड करेंगे, आप खर्चा करने से बचेंगे, लेकिन मन आपका बहुत सारी चीजों में, जहां आपका मन लगता है, जो आपकी पैशन की चीजें हैं, उसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि हम उसको खरीद लें। कुछ लोगों के पैरों में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे टैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके हाथ पैर, तो थोड़ा धूप में निकलेंगे, थोड़ा बच के अपना प्रोटेक्शन सनस्क्रीन वगैरह लगा के या ढक के अपने आप को आप चलें, नहीं तो हाथ पैर जो है काफी लोगों के ना मुझे काले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सनबर्न वगैरह आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी प्रकार का कलेक्शन कुछ लोग करते हैं, कोई भी आपको हॉबी है किसी चीज़ को कलेक्ट करने की, तो मार्च के महीने में आपके साथ कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो कि आपकी कलेक्शन को बढ़ा देगी। कुछ लोगों के घर में जो पौधे हैं इस समय बहुत सूखते और मुरझाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा, खासकर जो फूलों के पौधे हैं वो कुछ ज़्यादा मुरझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा। इस समय में आप किसी चीज़ को लेकर के ना अटक जाओगे, आप किसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल अपने आप को ऐसा महसूस करोगे जैसे हम फंस गए हैं, मतलब यही करना है, ये भी नहीं कह सकते फंस गए हैं, आपके मन में वो इच्छा फंस जाएगी कि हमें ये करना है तो ये ही करना है, और चाहे कोई आसपास के लोग आपको सपोर्ट ना करें, आपके डिसीजन को सपोर्ट ना करें, आप उस डिसीजन को ज़रूर लोगे और उसमें कामयाब होकर के भी लोगों को आप दिखाओगे। इस समय में फैमिली लाइफ की बात करें तो अच्छा ही रहेगा, बच्चों के साथ खेलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, मैरिड नहीं है तो आपको किसी फ्रेंड के साथ आपको कहीं जाने का अवसर मिल सकता है, या आपका फ्रेंड आपके घर आ सकता है या आ सकती हैं, तो उनके साथ एक अच्छा हैप्पी टाइम आप वीकेंड पे बिताते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग तो मुझे कुछ वीडियो गेम वगैरह खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर जाके कुछ फन एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये मोर ओवर आपके लिए अच्छा है। इस समय में जो है ना लोग आपकी तरफ थोड़ा आकर्षित ज्यादा होंगे, क्योंकि आप थोड़े अच्छे खिले खुले प्लेफुल से दिखाई देंगे, तो काफी सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो आपको कोई प्रपोजल भी, प्रपोजल तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन काफी लोगों का इंटरेस्ट आपकी तरफ हो सकता है, वो आपको कह तो नहीं पाएंगे मार्च में अपने दिल की बात, लेकिन हाँ काफी सारे लोग आप पे इंटरेस्टेड होते दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं, तो काफी सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आएंगे, या कोई आपका शॉप है जो आप ऑनलाइन चलाते हैं, या आपका कोई प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन आप बेचते हैं, तो वहां भी काफी सारे कस्टमर जो है वो आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस समय में आप अपने अंदर एक डुअल पर्सनालिटी अनुभव करेंगे, एक तरफ तो बिल्कुल जैसा आपका मन करेगा आप बहुत ज्यादा आउट्रोवर्ट हो जाएंगे, आपका मन करेगा कि बिल्कुल हम अपना स्टेटस बढ़ाएं, ग्रोथ करें, पैसा कमाएं, और दूसरी तरफ जैसे ही आपको कोई पार्टनर मिलेगा या फ्रेंड मिलेगा, उसके साथ आप बिल्कुल ही प्लेफुल हो जाएंगे, बहुत लाइट हो जाएंगे, आप बिल्कुल हंसी मजाक करेंगे और सारी चीजें भूल जाएंगे। तो दो तरह की सिचुएशन मुझे आपके साथ होती दिखाई दे रही है, और स्पेशली इस मंथ में ना आपका जो
जो वाणी है वो वाणी आपकी बहुत मीठी और मधुर होने वाली है। तो उसको यूज करके आप किसी भी प्रकार से अगर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप उस वाणी को यूज करिए, क्योंकि इस समय में वाणी आपको बहुत सपोर्ट करेगी और दोनों ही जेंडर के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उन दोनों से ही आपको सपोर्ट मिलेगा। तो अच्छी बातें आप इस समय में कर सकते हैं जिससे लोग काफी इम्प्रेस होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि दो तरह के चॉइसेस मार्च में आपको मिलेंगी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन काफी लोगों को हो सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च के महीने में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे आप किसी फेस्टिवल में या तो जाते हुए दिख रहे हैं, कोई पूजा आपके घर पे हो रही है, या कुछ स्पेशल आप ऐसे कर रहे हैं, या कोई आपके यहाँ कोई किसी तरीके का कोई पार्टी हो रही है या गैदरिंग हो रही है लोगों की, ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए विशेष दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने के लिए व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, काफी सारी पीने के लिए दिखाई दे रही हैं चीजें, दूध से बनी हुई की चीजें दिखाई दे रही हैं, और साथ में काफी घर आपने सजा रखा है, कुछ कोई लोगों ने फ्रिल्स वगैरह से घर सजा रखा है, और कुछ लैंटेन्स वगैरह कुछ लोगों ने सजा रखे हैं, पेपर के लैंटेन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में वृषभ राशि वाले मार्च के महीने में कुछ करने वाले हैं, तो वहां आपको काफी खुशी मिलेगी, काफी आपको पूजा पाठ में भी सुकून मिलेगा, तो एक अच्छा मंथ आपके लिए रहने वाला है। उसके आगे बात करें तो इस समय में थोड़ा सा लोग जो है वो आपसे जल सकते हैं, लोगों को आपसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो अननेसेसरी की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप किसी से कुछ कहें, या हो सकता है सिर्फ आपके आसपास होने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती मार्च में दिखाई दे रही है, और वो एक से ज्यादा अधिक लोग हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं जिनको आपसे प्रॉब्लम है, खास करके लेडीज हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है, नहीं तो वो आपकी खुशी में आग लगाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी खुशी को परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। मार्च के महीने में कुछ लोग आपको कंजूस का लेबल भी लगा सकते हैं, वो कह सकते हैं कि आप कोई भी पैसा खर्च नहीं करते हो, बड़े कंजूस हो, अपने तक ही पैसा सीमित रखते हो, अपने लोगों को ही आप पैसा देते हो, तो ऐसी कोई बातें चल सकती हैं, और अजीब अजीब से लोग मुंह बनाते हुए मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अगर मुंह से कोई कुछ ना बोले तो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लोग आपको देख के अजीब अजीब से फेसेस बना रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको उससे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, इग्नोर कीजिए उन लोगों को, क्योंकि आपको पता है वो जो कर रहे हैं या कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके किसी खास व्यक्ति को या आपके परिवार में किसी को वो बोलने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में कुछ चुगली करने की कोशिश करेंगे, कुछ आपकी निंदा करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है सामने वाला आपको आपके लिए खड़ा होने वाला है कोई व्यक्ति, और बिल्कुल उनका मुंह बंद करा देगा, उनके पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, ऐसी किसी सिचुएशन मार्च में आती दिखाई दे रही है। धन की बात करें तो धन आपका स्टेबल बना रहेगा मार्च में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती नहीं दिखाई दे रही है, तो बहुत ज्यादा आपके खर्चे भी होते नहीं दिखाई दे रहे, चीजें थोड़ी स्टेबल हैं। आप इस महीने में धन को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं दिखाई दे रहे, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, कुछ नया स्टार्ट लेते हुए अभी आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, और सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं कुछ लोग कुछ करने का, लेकिन मार्च के महीने में वो क्रियान्वित नहीं हो पाएगा, आप उसको एक्शन में नहीं डाल पाएंगे। इस समय में आप जो भी डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, उससे आपके घर के माहौल में, घर के वातावरण में थोड़ा सा ना तूफान से आ सकता है, थोड़ा सा लोग एकदम से हाइपर हो सकते हैं, लोग एकदम शॉक में आ सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनली आपको लोग परेशान कर सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन मार्च के महीने में आप लेने वाले हो, लेकिन आगे चल के वो डिसीजन आपके लिए सही होगा, और आप किसी की सुनने भी नहीं वाले हैं, डिसीजन आप लेकर के ही रहेंगे। मार्च के महीने में आप अपने घर में कोई गमला लगा सकते हैं, कोई पौधा लगा सकते हैं, या आपको गिफ्ट में भी कुछ मिल सकता है, अगर ऑलरेडी फूल वगैरह के आपने पौधे लगा रखे हैं तो इस समय में आपके फूल आने लगेंगे उन पौधों में, ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके फूल वाले पौधे जो है और ज्यादा अच्छे हरे भरे सुंदर होने लगेंगे। अगर आपका कोई रिलेशनशिप खराब हो गया था, काफी समय से खराब चल रहा था, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट के आने की कोशिश करेगा, जो कि आप नहीं चाहते हैं, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं वापस, और आप एक नई रोमांटिक रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति
जो है इस समय में आपको खींचने की कोशिश करेगा, आपके विचार भी थोड़े समय के लिए उस तक पहुंचेंगे, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे और सोचने की वजह से परेशान होंगे, लेकिन रेकमेंडेबल नहीं है कि आप फिर से उसी व्यक्ति के पास जाएं, क्योंकि जो खत्म हो चुका है उसको छोड़ के आपको नया आगे बढ़ना चाहिए। मार्च में आप थोड़ा सा डिसीजन पर्सनल लाइफ में ऐसा ले सकते हैं कि हमें एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, नई स्टार्ट करनी है, और अब अगर रोमांटिकली हमें अप्रोच करता है कोई, रोमांटिकली हमारे पास आता है कोई, इंटरेस्ट है, तो हम भी उसमें इंटरेस्ट शो करना शुरू करेंगे। ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस मंथ में थोड़े जिद्दी होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, दूसरों की बातें तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हो, जो करोगे अपने मन की ही करोगे। इस समय में लोग आपको काफी ट्रिगर कर सकते हैं, ट्रिगर करने के लिए वो आपको गलत बातें बोल सकते हैं, लेकिन आपको अपना कंट्रोल बनाए रखना है और बिल्कुल भी किसी की भी बात पर ध्यान। अगर आपके पार्टनर दूर रहते हैं तो मार्च में आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर मार्च में आपको और आपके पार्टनर को अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, समय मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मन से तो ये पीसफुल समय है, बाहर के लोग कुछ आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, उससे थोड़ा से बच के रहना है। अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति आकर के आपको किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में मार्च में बता रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं होगा। कुछ लोगों के असली चेहरे भी आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसे डबल क्रॉस चेक करिए, उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मार्च में मुझे कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर में कोई कांच वगैरह टूट सकता है, या कोई ऐसी शार्प चीज हो सकती है जो नीचे आपकी गिरी हो और उसके कारण आपके पैर में कुछ चुभ जाए। तो बहुत ही केयरफुल आपने रहना है मार्च के महीने में इस बात को लेकर के, क्योंकि पैर में कुछ चुभता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े और आगे का देखें अगर आपके लिए, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मौसम के चेंज होने की वजह से आपको थोड़ा सर्दी, जुकाम, ये सब चीजें हो सकती हैं, बुखार भी हो सकता है। तो अपने ऊपर आपने थोड़ा सा पहले ही काढ़ा वगैरह लेकर के चले, अपने ऊपर थोड़ा सा आप काम करें, थोड़ा सा अपने आप को ढक कर चले। कुछ ऐसा है जो मौसम के चेंज होने की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको घर पे थोड़ा समय बिताना पड़ सकता है और रेस्ट लेना पड़ सकता है। फैमिली लाइफ की या लव लाइफ की बात करें तो ये काफी अच्छा है। अगर आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में समय खराब चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या बात आपकी डिवोर्स तक पहुंच रही है, या रूठ करके आपकी पत्नी जो दूर चली गई हैं, बच्चे दूर चले गए हैं, या आपके हस्बैंड दूर चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्च में आप लोग क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपकी बातचीत फिर से शुरू हो जाए, या हो सकता है आप लोग एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा आ जाएं, ज्यादा कुछ समय तक आप बातें करते रहे। कुछ है जिससे आपका दोनों का जो संबंध है उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग तो किसी स्पेशल पूजा में साथ बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपके बीच में अनबन थी, मन मुटाव था, लेकिन फिर भी आप साथ में किसी पूजा में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में ना क्लोजनेस बढ़ेगी, ऐसा काफी लोगों के लिए है। जो लोग अगर पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस समय में, काम ना करने की प्रॉब्लम, आलस शरीर में आने की प्रॉब्लम, या थोड़ी बिजली की ज्यादा प्रॉब्लम मुझे आती दिखाई दे रही है। थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत भी आपको हो सकती है, शायद काम पे ना जा सके या काम ना कर सके, थोड़ा सा प्रॉब्लम है अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो। अगर आपके नेल्स काफी बढ़ गए हैं तो मार्च के महीने में प्लीज उसे ध्यान से काटिए, क्योंकि वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत ज्यादा आप अपने नेल्स को काट दें, जिसकी वजह से दर्द हो, या आपको थोड़ा ब्लड भी निकल सकता है कुछ लोगों को, उस पर थोड़ा ख्याल रखना है। इस समय में आपको अपनी स्किन का, क्योंकि एलर्जी की प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो सकती है, और बालों का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों जगह में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसा क्रैक दिखाई दे रहे हैं आपके बॉडी पार्ट्स, और आपकी स्किन और आपके बाल बहुत ज्यादा ही रूखे हो जाना इस समय में संभव है। कुछ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी इस समय में काफी हो सकती है, तो स्टमक का भी अपना आप ख्याल रखेंगे। अगर किसी प्रकार का आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई काम है, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है लैंड को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है वो किसी तरीके से आपको मनाने की कोशिश करेगी, आपको सेटल करने की कोशिश करेगी, और बहुत कम है, जिसको लेकर के आप काफी परेशान मार्च के महीने में रह सकते हैं। या अगर आपकी खुद
प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है, तो वहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे काफी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इस समय में आप अपनी माता के साथ मिलकर के कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ सजा सकते हैं, कुछ घर पे आप ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी माता के साथ उनकी हेल्प करते हुए काफी बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय में कुछ लोगों को जैसे आजादी सी मिलती दिखाई दे रही है। अगर बहुत समय से कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो बहुत नेगेटिव है, आपको मन नहीं करता उस व्यक्ति से बात करने का, लेकिन वो जबरदस्ती आके आपसे बात करते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं, या आपका समय वेस्ट करते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो है उससे आपको छुटकारा मार्च के महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप फिर आराम से शांति से अपना जीवन जी सकते हैं। जो भी टॉक्सिक व्यक्ति है, जो भी नेगेटिव व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और फाइनली आप रिलैक्स हो पाएंगे, अपनी पॉजिटिविटी में आप आ पाएंगे। अगर आपके काम के बारे में बात करें या आपके जॉब या बिजनेस के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उससे आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप उसी गलती को दोबारा रिपीट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपने अपने बिजनेस में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। कोई डिसीजन लेते हुए आप पास्ट में सोचिए कि ऐसा हमने डिसीजन, इस टाइप का डिसीजन लिया था तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, और फिर उसके हिसाब से ही डिसाइड कीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पास्ट में की हुई गलती को दोहरा सकते हैं आप मार्च में, जिसकी वजह से धन का आपको नुकसान हो सकता है। तो वहाँ आपने थोड़ा सतर्क रहना है। इस समय में अगर अंदरूनी आपकी अंतरात्मा कोई कहती है किसी बात को, कोई इंट्यूशन आपको आती है, ये व्यक्ति सही नहीं है या ये कार्य सही नहीं है, तो उसको मानिए और सुनिए, क्योंकि ये मार्च में आपकी इंट्यूशन जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर कंफ्यूज है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो माता दुर्गा जो शेर पे सवारी कर रही हूँ उनके सामने बैठ करके अगर आप वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे, तो काफी क्लियरिटी आपको मार्च के महीने में मिल जाएगी। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, जो कि आपको हेल्प ऑफर करेंगे, कोई ऑफर दे सकते हैं, कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई हेल्प दे सकते हैं, और आपको बिना सोचे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन हैं। और इस महीने में अगर कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है, मे बी वो व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि इससे हेल्प लेने से काम और बिगड़ जाएगा, इससे अच्छा तो हम खुद ही इस काम को कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको उस हेल्प को ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्च का महीना थोड़ा और बर्डन वाला होगा। मार्च का महीना थोड़ा और आपके लिए काम लेकर के आएगा। अचानक से चीजें बहुत सारी आपको करनी पड़ेंगी, तो कोई ना कोई हेल्प मिलना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वरदान स्वरूप होगा, तो उस हेल्प को जरूर एक्सेप्ट करें। इस समय में आपके अंदर ना आपकी क्रिएटिविटी एकदम बहुत ज्यादा निखर जाएगी। कुछ लोग पेंटिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ड्राइंग स्केचिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका मन जो है वो क्रिएटिव चीजों में ज्यादा लगेगा। कुछ लोग गार्डनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अपने घर में वेजिटेबल गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ वेजिटेबल उगाना स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ क्रिएटिव चीजें आप अपने हाथ से बना सकते हैं। कुछ लोग नए नए हेयर स्टाइल बनाने का ट्राई कर सकते हैं, उसमें अपनी क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों में, घर को सजाने में, कैंडल मेकिंग में, चॉकलेट मेकिंग में, काफी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो क्रिएटिविटी उनकी निकलेगी मार्च के महीने में, तो वो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप बहुत समय से परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कष्ट हमारे खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो मार्च का महीना आपके कष्टों को, या फिर मार्च जब गुजरेगा तो आपके कष्टों को कम जरूर करके जाएगा, कुछ ब्लेसिंग्स ये महीना आपको जरूर दे के जाएगा। और आपका कोई बहुत समय से कोई चीज है जो चली जा रही है, वो खत्म होने की कगार पे ही है। बहुत ज्यादा ही आप जिस चीज से, जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, और वो बहुत लंबे समय की प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम खत्म होते ही दिख नहीं रही है, तो मार्च का महीना उसके लिए कोई खुशखबरी जरूर लेके आएगा। कहीं ना कहीं रैप अप होता दिखाई दे रहा है उस प्रॉब्लम का, और उसके बाद मार्च के बाद वो चीजें आपके लिए रिजॉल्व हो जाएंगी। हाँ, आपको जरूर टेस्ट किया जाएगा भगवान जी, आप कितना अपना कार्य जो करना चाहते हो उसमें कितना कमिटमेंट आपको है, कितना आप अंदर से बिलीव करते हैं, कितना आपको फेथ है, भगवान जी आपको टेस्ट इस महीने में जरूर करेंगे, और आप उसे बहुत अच्छे से पूरा भी करेंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आपने अपने काम को लेकर के कोई भी ऐसा विजन बनाया है, आपने कुछ सोच रखा है, कोई गोल बनाया है, तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, चाहे कितनी भी चुनौती आपके सामने आ जाए, क्योंकि ये चुनौती केवल
आपका टेस्ट होगी, और जैसे ही आप इसे पास करोगे, जैसे ही आप उसमें पेशेंस रखोगे, जैसे ही उसको गिव अप नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपकी राशि में एक प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा है कि कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती तो आप उसको छोड़ देते हो। तो इस बार छोड़ना नहीं है, मार्च के महीने में पकड़े रहोगे अपने गोल को, जो भी चुनौती आए उससे डरना नहीं, फिर देखो कैसे मार्च का महीना खत्म होते ही आपको फल दे करके जाता है। कुछ लोग जो हैं वो अपने पास्ट में जा सकते हैं, यानी कि अपने पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा सोचना, रात के समय अपने पास्ट की चीजों के बारे में सोचते रहना, परेशान होते रहना, तो उससे आपको दूर रहने की जरूरत है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हुई थी, आपकी फैमिली ने आपको ढंग से ट्रीट नहीं किया है, आपके बचपन में जो आपके भीतर जो बहुत सारे घाव हैं, जो बहुत ज्यादा लोगों ने आपको हर्ट किया है, उन चीजों के आप ट्रैप में फंस सकते हैं, तो वो ना करें, पास्ट में ना जाएं, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो वहाँ थोड़ी सी फाइनेंशियल डिस्टरबेंस हो सकती है, जिसकी वजह से आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। कुछ पैसे को लेकर के नोक झोंक आपके और आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकती है, लेकिन वो लंबी नहीं चलेगी। बच्चे अगर हैं तो बच्चे जरा शैतान जरूर हो सकते हैं, अगर कर्क राशि है आपके बच्चों की, या आपकी कर्क राशि है और आपके घर में छोटे बच्चे हैं, लगभग ये 6-7 साल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, या उसके आसपास के जो बच्चे हैं 14 साल से कम के, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा परेशान कर सकते हैं। मतलब सामान उठा उठा के भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पूरे घर में, पूरे घर को बखेर रहे हैं, पूरे घर में हर जगह उनका सामान बिखरा हुआ है, और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, उन पे गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। इस समय में आपको कहीं से कुछ ऐसी खबर प्राप्त हो सकती है जिससे आपका मन जो है वो बहुत ही खुश हो जाएगा, और रात्रि के समय में कुछ लोगों को ऐसी खबर मिलती दिखाई दे रही है जिससे आपको बहुत खुशी होने वाली है। बहुत बड़ी खबर नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन उस छोटी सी बात का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है, आप बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपके रिश्ते में डिस्टेंस हो गया है, आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप के बीच में आ गया है, तो कहीं ना कहीं उसका रेजोल्यूशन भी इस समय में होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दैवी शक्ति है वो बीच में आएंगी और आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी आपके रिश्ते को, क्योंकि वो रिश्ता टूटता हुआ भी नहीं दिख रहा, वो रिश्ता भी लंबा चलना है, तो इस समय तो वो नहीं टूट सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति बीच में आ सकता है, भगवान जी किसी को सद्बुद्धि दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो फिर से ठीक होगा, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर है कोई और व्यक्ति आपके रिश्ते में आ गया है, तो उसमें दूरी होगी, कमी होगी। जॉब की बात करें आपके, तो जॉब में आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोग इस समय में आपको काफी अप्रिशिएट करेंगे, आपके क्रिएटिव और अच्छे आइडियाज को अप्रिशिएट किया जाएगा, क्लाइंट्स भी इस समय आपको ज्यादा मिलेंगे, और अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, थोड़े से रिच क्लास क्लाइंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप काफी अच्छा बिजनेस आप अपनी कंपनी को दे पाएंगे। अगर आपके बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। थोड़ा सा एक्सपेंशन का मुश्किल है, मार्च में एक्सपैंड करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहेंगे, अच्छे से उसको निभा पाएंगे, थोड़ी सेविंग्स भी कर पाएंगे, ओवरऑल आपको अच्छा लगेगा कि चलो हाँ बिजनेस हमारा सेट है, हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन हाँ मार्च में एक्सपेंशन अभी होता नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। बहुत समय से किसी चीज को लेकर के आप बहुत ही उत्सुक थे, आपका बहुत मन था ऐसा कोई कार्य करने का, तो वो नई शुरुआत मार्च में आपकी होती दिखाई दे रही है, कोई नई बिगनिंग, कोई नई स्टार्ट, कुछ तो नया है जो आप करने वाले हैं, या तो पुराना जो आपका है एग्जिस्टिंग उसमें कुछ चेंज लेकर के आएंगे, आपके भीतर भी नयापन आ सकता है, या फिर कंप्लीटली आप कुछ नया इस महीने में स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो चीज एक अच्छी दिखाई दे रही है, और वहां आपके मन लगता है उस काम में, आपका आपका मन जो है उससे जुड़ा हुआ है, आपको बहुत खुशी मिलती है उससे, दुख भी उसी से मिलता है जब पूरा नहीं होता, लेकिन खुशी बहुत मिलती है, तो वो एक नई शुरुआत आपके लिए दिखाई दे रही है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आते दिखाई दे रहा है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल मार्च आपके लिए काफी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने फुल पोटेंशियल में मार्च में आ जाओगे, जो लोगों ने आपका अब तक रूप नहीं देखा, जो लोग आपको समझते नहीं हैं, या आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या उनको लगता है कि आप में टैलेंट नहीं है, आप बस ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो फुल पोटेंशियल मार्च में आप दिखाएंगे,
और बहुत सारे लोगों को उससे आग लगने वाली है, बहुत सारे लोग उससे चिढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैरान रह जाने वाले, उनका मुंह का मुंह खुला रह जाएगा कि ये सब चीजें कैसे सिंह राशि वाले कर पा रहे हैं। तो मार्च आपके लिए अच्छा है। धन से संबंध में बात करूं तो बहुत ही अच्छा है, कोई ना कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, कोई अच्छा काम कर सकते हो, पैसा आपको काफी सारा मिल सकता है। अगर पूर्व में कोई इन्वेस्टमेंट की है वहां से पैसा लौट के आ सकता है, कोई केस चल रहा है तो वहां से कुछ सेटलमेंट मिल सकती है। प्रॉस्पेरिटी यानी कि ग्रोथ आपको इस मंथ में जरूर है, धन तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, कहीं से भी मिले। इस समय में आप जो है अपना काफी बैलेंस में आएंगे, काफी शांत रहेंगे, आप काम भी बहुत सारे करेंगे, एनर्जेटिक भी बहुत रहेंगे, रेस्ट भी प्रॉपर लेंगे, तो लाइफ एक बैलेंस में आएगी। बहुत ज्यादा ना तो आप इस तरफ होंगे कि आराम ही किए जा रहे, ना तो उस तरफ होंगे कि काम ही किए जा रहे, तो एक बैलेंस आपके अंदर आता दिखाई दे रहा है। अंदर से काफी ऊर्जावान, काफी अपने आप को इंजॉय करते हुए आप महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको अंदर से ऐसा लगेगा जैसे काफी आप स्टेबल हो गए हैं, आपको सब समझ में आ रहा है क्या करना है कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आपको इस समय में मिलेंगी। एक विशेष ज्ञान आपको मिल सकता है। कुछ लोग अगर मेडिटेशन ऑलरेडी करते हैं तो मेडिटेशन के नेक्स्ट लेवल पे इस समय में पहुंच सकते हैं, और कुछ लोगों को आत्मज्ञान की तरफ भी आप जा सकते हैं, आत्मज्ञान भी हो सकता है। अगर इस समय में कोई भी शत्रु आप पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, कोई भी शत्रु आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप फुल्ली तैयार हैं, आप उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उनको मजा चखा देंगे, और फिर वो बिल्कुल भी आपके लाइफ के बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफी गुस्से से वो आपके डर जाएंगे। अगर बहुत समय से आप पतला होने की कोशिश कर रहे थे, डाइट कर रहे थे, आपके पेट पे काफी चर्बी थी, काफी ज्यादा वेट आपका गेन हो रहा था, तो मार्च का महीना आपको काफी फिट बना के जाएगा। आप कोई नया रूटीन फॉलो कर सकते हैं, या कुछ नया ऐसा खाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, डाइट में चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, तो उससे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। काफी लोग अच्छा उनके स्टमक के पास, उनकी कमर के पास उनका वजन जो है कम होता दिखाई दे रहा है, वहां से आपका फैट रिड्यूस होता दिखाई दे रहा है, और आप अपने अंदर काफी लाइट वेट महसूस करेंगे, वो भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, खिला खिला महसूस करेंगे, लोग भी आपकी तारीफ करेंगे कि अरे कुछ तो चेंज हो रहा है आपके अंदर, तो वो आपके लिए अच्छा है। कुछ लोगों को पैर में बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, खुश्की हो सकती है, या आपके पैर में कोई ब्लिस्टर, कोई दाना, कुछ ऐसा फोड़ा सा निकल सकता है, उसके लिए आपने ख्याल रखना है। सर दर्द भी इस समय में आपको हो सकता है, लेकिन उसको आप बैलेंस कर लेंगे, ज्यादा लंबा समय वो आपका नहीं चलेगा। इस समय में काफी अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है, या घर पे आप टाइम नहीं दे पा रहे उसकी वजह से वातावरण अच्छा नहीं, तो वहां भी शांति मिलेगी, वहां भी एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, आपका पार्टनर, आप दो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे। लोग हाँ आपस आसपास के जरूर जलेंगे उससे, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को टाइम देते हुए उन्हें प्रसन्न कर पाएंगे और खुद भी खुश रहेंगे। इस समय में आप कुछ नया, जैसे मैं बता रही हूँ, कर सकते हैं जो कि आपने अब तक नहीं किया है। आपके लिए कुछ चीजें बहुत नई हो सकती, आपको भी उसके लिए ऐसा लग सकता है कि आपको सीखने की जरूरत है, आपको बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। आपने आज तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है और ये चीज बिल्कुल नई है, लेकिन आप फुल कॉन्फिडेंस से उसे ट्राई करोगे, आपका मन आपको अंदर से बताएगा कि नहीं ये बिल्कुल सही है, मुझे ये डिसीजन लेना है, काम करना है, चाहे कितनी भी चुनौती आए हम इसे पूरा करके ही दम लेंगे, और फिर वो पॉजिटिवनेस, वो चेंज आपके मार्च के महीने में जरूर आपको मिलेगा। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है मार्च में ना आप थोड़े यंग होते दिखाई दे रहे हो, आप थोड़े आप बच्चे जैसे होते दिखाई दे रहे हो, आपका मन बिल्कुल बचपन ही जैसा हो जाएगा। आप जैसे बचपन में आप जो चीजें करते चाहते थे या करते थे उसको आप रिपीट करोगे, जो खाते थे, जो पहनते थे, या हो सकता है कुछ बचपन की चीजें आपके सामने आ जाए जिसे देख करके आप बिल्कुल ही नॉस्टैल्जिक हो जाएं, और आप बिल्कुल उस पास मेमोरीज में आप खो जाएं, ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे बनते हुए दिखाई दे रहे हो, सबसे पहली चीज तो ये है, और काफी ग्लो आ रहा है आपके चेहरे पर, यंग हो रहे हो। अगर आपकी एज भी बढ़ रही है ना, तो मार्च का महीना में कुछ ना कुछ तो आप ऐसा जरूर करोगे, या नेचुरली कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपकी एज कम लगने लगेगी। या बहुत समय से अगर आप स्ट्रेस जो है वो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा था, आपके बालों की ग्रे या व्हाइटनेस में दिखाई दे रहा था, तो वो सारी चीजें दूर होके आप में एक यंग एनर्जी आएगी, आप
अंदर से भी यंग फील करेंगे और बाहर से भी अपने आप को यंग फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि उम्र बढ़ी नहीं है, 1-2 साल घट गई है। और ऐसा काफी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, काफी इंजॉय करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो मार्च के महीने में। आपके इमोशंस जो है वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा कुछ चीजों को सोच करके इमोशंस एकदम हाई हो जाए, फिर आप उसको कंट्रोल कर लो, लेकिन मोर और लेस अच्छा है। हो सकता है क्योंकि पुरानी चीजें सोचोगे, पुरानी चीजें देखोगे बचपन की, तो थोड़ा सा इमोशनल होना तो उसमें बनता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन इस समय में आपका है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा टेस्ट आपका है, या कहीं पर आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो आप अच्छा कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म करोगे, काफी टारगेट ओरिएंटेड रहोगे इस समय में, वो भी दिखाई दे रहा है। काफी लोगों को कोई मेडल मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। हो सकता है आपका कोई कोर्स वगैरह खत्म हुआ हो, उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, या आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट अच्छे स्कोर से हो जाए। कुछ तो स्पेशल है जो मार्च के महीने में आपको एकेडमिकली कहें, या फिर आपको आपके मान सम्मान में कहें, तो एक स्टेप ऊपर लेकर के जा रहा है। इस समय में आप नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाग्य भी आपका साथ देगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। थोड़ा सा आप अपने आप को ओवर शैडोड महसूस कर सकते हैं, अपने से ज्यादा परिवार को आगे रख सकते हैं इस समय में, वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अच्छा ही समय है, ग्रोथ आपके लिए जरूर लेकर के आएगा इस समय में। क्योंकि भीतर से आप बहुत खुश होंगे, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी, आध्यात्मिक रूप से भी आपकी उन्नति होगी। अगर आप बहुत समय से अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारी कोई भी बात भगवान जी सुनते नहीं हैं, या हम कुछ भी पूजा पाठ कर लें वो लगता नहीं है, तो कोई ना कोई कृपा आपको इस महीने में जरूर दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हम बेटर महसूस कर रहे हैं, फिजिकली मेंटली इमोशनली बेटरमेंट की तरफ हम चल रहे हैं। आपके अंदर से एक अलग सी ग्लो, अलग सा ऑरा लोगों को महसूस होगा, जो आपकी तरफ लोगों को आकर्षित करेगा, और लोगों को ही नहीं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नई बातों को आकर्षित करेगा, कोई नए प्रपोजल को आकर्षित करेगा, कोई नई चीजों को आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों की नजर में आएंगे और वो आपको बहुत पसंद करेंगे। इस समय में आपको कुछ नए आइडियाज भी आ सकते हैं, जो आइडिया बहुत क्लिक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई आइडिया आपको आता है और वो अचानक से आएगा, एकदम बिल्कुल विंड की तरह, एकदम हवा की तरह, तेज झोंके की तरह कोई आइडिया आपको आएगा, पर उसको पकड़ लेना, क्योंकि वो आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है, आगे चल के काफी हिट होने वाला है। आप कपड़े से संबंधित कोई काम करते हैं, या सीजनल कोई काम है और सीजन जस्ट चेंज होने वाला है, तो उसमें लाभ की प्राप्ति होनी आपको शुरू हो जाएगी। बदलाव का समय है, अच्छा समय है। कंफ्यूज बहुत समय से रह रहे थे, तो कंफ्यूजन घटेगा, काफी बेटर महसूस करेंगे। एकांत में कुछ लोग समय बिता सकते हैं, कोई गार्डन जा सकते हैं, पार्क जा सकते हैं, वॉक जाना शुरू कर सकते हैं, कोई रूटीन शुरू कर सकते हैं अपने लिए, जहां आप थोड़ा अकेले अपने साथ समय बिताएंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय में आपको खुद समझ में आ जाएगा, खुद पता चल जाएगा, आने वाला समय मेरे लिए अच्छा है, हम सही दिशा में हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से फीलिंग्स आपको आने लगेंगी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसमें भी शांति रहेगी, सुख रहेगा, सुकून रहेगा, तो ऐसा कोई मेजर दिक्कत मुझे मार्च के महीने में आपके साथ नहीं दिख रही है। अच्छा समय है, इसको एंजॉय कीजिए। हमारे सिद्ध शनि दरबार में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, शनिदेव बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए एक ऐसे ही भक्त से आपको मिलाते हैं, बहुत रोती हुई आई थी और आज देखो इनके चेहरे की मुस्कान का ना कोई ओर है ना कोई छोर। मेरा नाम जमुना देवी है। मैं जमुना पाल लक्ष्मी नगर से आई हूँ, और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं अपने बेटे को लेके बहुत परेशान थी। मेरा बेटा कुछ गलत हरकतों में, बहुत गंदी वालियों में चला गया था, जिसको लेके मैं बहुत दुखी थी, रोती रहती थी, कुछ भी नहीं कह पाती थी। लेकिन आज मेरा बेटा बहुत मेरा कहना मानता है और उन सब चीज़ों से बाहर आ गया है। यहाँ आके मुझे बहुत फायदा हुआ है। गुरु माता ने मुझे ये अंगूठी दी थी, इससे भी मुझे काफी अच्छा लगा है, पहन के काफी फायदा हुआ है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस समय में ना बहुत आशावादी हो जाओगे, वेरी पॉजिटिव, आप नए नए सपने बनाने लगोगे, कुछ
ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है, या हो सकता है कुछ भी ना हो, अचानक से आप उठो सुबह और अच्छा सा सपना देखो और उसके बाद आप पॉजिटिव हो जाओ। एक पॉजिटिव चेंज इस महीने में आपके लिए है, और पहले वो इंटरनली स्टार्ट होगा, अंदर से स्टार्ट होगा, अंदर से आपको खुश लगने लगेगा, हैप्पी लगने लगेगा, टेंशन कम होगी, आपको एकदम प्लेजेंट लगने लगेगा, और फिर वो धीरे धीरे बाहर आएगा। अगर आपको कोई बुरे सपने आ रहे हैं कुछ समय से, तो वो सपने अच्छे सपनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई सपने देख रहे हैं खुली आंखों से, आपने कुछ सोच रखा है कि ये काश हो जाए लाइफ में, तो उस सपने की तरफ आप और ज्यादा कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो आसपास में ही है, इसीलिए आपको वो खुशी महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ऑफिस में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति परेशान करता है, या आपके वर्क प्लेस में स्टाफ आपको परेशान कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी काफी चेंज आ जाएगा। जो भी आपको परेशान करना चाहते हैं, हर्ट करना चाहते हैं, आप इतने पॉजिटिव होंगे, उनके प्रति इतने ज्यादा अच्छे होंगे, तो उनका भी कहीं ना कहीं जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाएगा, और नहीं हो पाएगा तो वो आपको छोड़ करके अपने आप ही चले जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, और आप बहुत आराम से अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इस समय में जो है, अगर बच्चे आपके हैं छोटे आपके घर में, तो उनको थोड़ा सा बीमारी हो सकती है, उनको थोड़ी सी कुछ सर्दी जुकाम बुखार कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जो थोड़ा अटेंशन आपको उनको देने की जरूरत है। या कुछ तुला राशि के जो जातक हैं, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में थोड़े से उनको चिढ़ाया जा सकता है, टीज किया जा सकता है, बुली किया जा सकता है, तो बच्चों से थोड़ा खुल करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बहुत आराम से उनको प्यार से समझा सकते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय बहुत अच्छा रहेगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी, लोग दूर से आपकी खुशियाँ देखेंगे, हो सकता है आप कोई हैप्पी पोस्ट अपना सोशल मीडिया पे डालें या व्हाट्सएप स्टेटस पे डालें, जिसे दूर से लोग देखेंगे और खुद भी प्रसन्न होंगे। कुछ जलने वाले तो हमेशा होते ही हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको देख करके काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे, खुश होंगे कि अरे ऐसी फैमिली होनी चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। काम में अगर आपकी मान लीजिए बहुत ज्यादा काम बड़ा हुआ था, फैला हुआ था, और नहीं कर पा रहे थे, या आपका सिमट नहीं रहा था, या काम जो है खत्म नहीं हो रहा था, तो मार्च के महीने में काफी सारा काम आप निपटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई ऊर्जा के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इस समय में आपकी वाणी जो है, वो वाणी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, तो आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा है जहां आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, या स्पेशली मुझे दिख रहा है कोई आपके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपके दादा दादी पिताजी उनकी कोई प्रॉपर्टी है, वहां से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, या वहां आप घर नहीं बना पा रहे हैं बहुत समय से, अगर बात करेंगे तो इस समय में कोई ना कोई हल वहां से निकलेगा, और आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, इस समय में ऐसा दिखाई दे रहा है। काफी क्रिएटिव दिख रहे हैं, काफी शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अपने बालों के साथ कुछ स्पेशल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने आप को सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी सारी शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी चीज है। फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा समय बिता पाएंगे, आपके जो भी लाइफ पार्टनर है उनके साथ भी काफी अच्छा समय आप बिता पाएंगे, तो मोर ओवर देखें तो एक अच्छा समय है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी आपके लिए अच्छी ही रहेगी, और बस थोड़ा सा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, वरना हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी। थोड़ा सा पेट में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो सकती है पेट में, तो थोड़ी सी ठंडी चीजें उस समय खाएंगे। इस समय में आपको कोई गिफ्ट कर सकता, आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जो आपको कुछ गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ हाथ से बनाया हुआ है उन्होंने, कुछ हैंडमेड है, वो आपको गिफ्ट में प्राप्त होगा। इस समय में आपके लिए हुए डिसीजंस पर आपको प्राउड होगा, आपके डिसीजन बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और इस समय में कोई व्यक्ति, अगर आप किसी तरह का कोई प्रेजेंटेशन अपने बिजनेस में देना चाहते हैं, किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को आप जाना चाहते हैं जहां से आप पैसा लेना चाहते हैं, तो वो आपकी बात इतनी सटीक उसको लगेगी कि आपको पैसा इस महीने में कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति दे देगा, या उसको उसके द्वारा आपको मिल जाएगा, तो कुछ वो चीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑल ओवर अच्छा समय है, इसको एंजॉय कीजिए। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं कि महीना मार्च का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। जैसे ही मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा ना जल्दबाजी दिखाई दे रही है, आपको किसी काम को जल्दी जल्दी खत्म करने की इच्छा हो रही है, और बहुत ज्यादा जल्दबाजी आप महसूस कर रहे हैं, और जल्दबाजी में क्या होता है ना, काम जो है वो बिगड़ जाता है, काम जो है वो बढ़ जाता है, आप तो उसे जल्दी खत्म करना चाहते हो और वो उल्टा बढ़ जाएगा,
तो वहां आपको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। सबसे पहले मेजर एनर्जी तो ऐसी आ रही है, दूसरी एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के ना बहुत डर सताता रहेगा। इस समय में आपको काफी ऐसी फीलिंग आएगी जैसे जो हमारा रिश्ता है वो कहीं टूट ना जाए, या सामने वाला जो हमारा पार्टनर है वो किसी और के पास ना चला जाए, या कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच में तो नहीं आ गया है। इस प्रकार के भय आपको इस मार्च के महीने में सताते रहेंगे। थोड़ी सी जेलसी भी हो सकती है, थोड़ा सा आप उस विषय में भी परेशान हो सकते हैं कि सामने वाला पार्टनर उससे क्यों बात कर रहा है, इतने समय क्यों बात कर रहा है, तो वो सारी चीजें थोड़ा भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके पार्टनर आप ही के हैं, कहीं नहीं जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगर रीयूनियन के लिए ट्राई कर रहे हैं, ब्रेकअप हो गया है, ब्लॉक हो गया है, नो कॉन्टैक्ट है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको लाभ प्राप्ति होगी। मार्च का महीना आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करेंगे और वहां से थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलना शुरू होगा, या किसी के थ्रू आपको कम्युनिकेट करने का मौका भी इस समय में मिल सकता है। कुछ लोग अपने घर में कोई नया शीशा लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक है, किसी के लिए मैसेज है, कर्टन और शीशे बदलते हुए या लाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इस समय में जो है थोड़ा सा जोड़ों में आपके दर्द हो सकता है, थोड़ा सा आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सता सकती है और जोड़ों में दर्द रह सकता है, उस चीज से आपको थोड़ा ख्याल रखना है। आपको आपकी मदर की साइड से, आपके नाना नानी से, या फिर आपकी मदर के मामा मामी से, वहां से कुछ स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ड्रेस दिखाई दे रही है कि आपको कोई ड्रेस जो है गिफ्ट में मिल सकती है, या कोई खाने पीने का आइटम जो है वो गिफ्ट में प्राप्त हो सकता है। आपके जॉब की बात करें तो जॉब में आप इस समय में अपने मस्त रहेंगे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपना काम करेंगे, जल्दी से निपटाएंगे, घर आ जाएंगे, तो ऐसा जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जिन लोगों का बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा सा आपको दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको लग सकती है कि अभी कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, या कुछ नया एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका एग्जिस्टिंग काम है वो नहीं चल रहा है, तो उसको लेके चिंता जो है वो आपको ज्यादा सता सकती है। और आपके बच्चों को लेकर के भी आपको चिंता सता सकती है, अगर आपके बच्चे आपके घर में हैं तो उनको लेकर के भी चिंता आपको सता सकती है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, दूध जो है आपके घर में बार बार खराब हो सकता है, तो आप थोड़ा उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस समय में फेस पे आपके काफी सारे दाने या पिंपल्स जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर आपका किसी पर क्रश है और आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं, उनकी तरफ जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आपको खुद ही उसके लिए प्रयास करना होगा, यानी कि अब आपको मार्च में मूवमेंट करनी होगी, अपने मन की बात उनको बतानी होगी, कम्युनिकेट करना होगा। मैं ये तो नहीं कहती कि 100% यस हो जाएगी, लेकिन हाँ, बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी इसमें भी ना करें। आप किसी को पसंद करते हैं तो उसको अपनी फीलिंग्स बताएं, पहले उससे दोस्ती करें, उसको अपना दोस्त बनाएं, और फिर समय अनुसार ही अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली व्यक्त करें। लेकिन आपको मतलब स्टार्ट तो लेना पड़ेगा, इनिशिएट तो करना पड़ेगा इस कॉन्वर्सेशन को। सामने की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स आता मुझे, या उनकी तरफ से पहल होती नहीं दिखाई दे रही है। इस समय में आपके पास्ट की कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, वहां थोड़ा ख्याल रखेंगे। अब अगर इनकम की बात करें तो इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, और अगर आपका एक कोई बिजनेस है तो डबल बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि एक और किसी तरीके का बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, कोई और काम हो सकता है, या कोई साइड इनकम आप कर सकते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, जहां दो जगह से आपको इनकम आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर किसी भी प्रकार की से आप फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, एमएलएम मार्केटिंग करना चाहते हैं, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की जो कि आयुर्वेदिक है, खाने का है, फूड से संबंधित है, कोई ऑर्गेनिक चीज है, वहां आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है मार्च जब स्टार्ट होगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, सिचुएशन आपको तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करें, चीजें इतनी फास्ट आप तेजी से भाग रही हैं कि जैसे स्लिप हो रही है आपके हाथ से, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन डोंट वरी, ये लंबे समय के लिए नहीं होने वाला है, थोड़े से समय में ये फीलिंग आपकी चली जाएगी। अगर आपने किसी से उधार दिया है, किसी से पैसे आपने ले रखे हैं, और वो व्यक्ति जो है वो आपको परेशान कर रहा है, तो थोड़ा सा मार्च के स्टार्ट में परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो आपके फैमिली की तरफ आ सकता है, घर पे आ सकता है, आपकी फैमिली वालों को भी बात बता सकता है, उनको प्रेशर कर सकता है, तो वहां थोड़ी सी आपको मेंटल डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है। इस समय में जो है आप
की जो हेल्थ है, हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो चीजें सुधर जाएंगी। आपको इस समय में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको थोड़ी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से जो अभी ऑनगोइंग प्रॉब्लम है उसमें से आप बाहर निकल सकेंगे। अगर आपका कोई भी काम है टैटू से संबंधित, या फिर मार्च में आप टैटू करवाना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। कुछ लोग मुझे अपने बॉडी पे टैटू करवाते हुए मार्च के महीने में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका काम पार्टी को सजाने का, सवारने का, केटरिंग का, आपका बैंक्वेट का, जहाँ भी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, इवेंट मैनेजमेंट का ऐसा कोई काम है, तो उसमें भी लाभ होगा। कुछ स्पेशल आप करेंगे जिसकी वजह से कुछ और नए ऑर्डर्स आपको फ्यूचर में रिसीव होंगे। कुछ आप यूनिक करते हुए आइडिया आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल यूनिक आप कर रहे हैं। कुछ लोग जो है सिल्वर की कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं इस समय में, मार्च के महीने में ऐसा भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन सा आपका इस समय में रह सकता है, थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, थोड़ा सा घर में ज्यादा रहने का मन आपका कर सकता है, थोड़ा सा जैसे आपका मन नहीं कर रहा है बाहर जाने का, इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल ही जैसे दरवाजे बंद करके, खिड़की बंद करके, पर्दे वगैरह लगा करके घर में दिन में भी बैठे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा आप मत करिएगा, थोड़ा बाहर निकलिए ताकि आपको फ्रेश हो सके। इस समय में ट्रैवल कुछ लोगों के लिए है। हाँ, आप मन से तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है किसी खास काम के लिए, किसी वजह से आप किसी डिस्टेंस पे कहीं जा सकते हैं। इस समय में आपके मित्र जो है वो आपको काफी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपके डिप्रेशन टाइप के आपका कुछ चल रहा है, या आपका निराशावाद इस समय में चल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए, और वो ट्राई भी बहुत करेंगे ताकि आपको हेल्प कर सके। और इस प्रकार का कुछ लोगों के साथ आपका मेल जोल मार्च के महीने में बढ़ेगा, जिससे आपको काफी खुशी महसूस होगी। और आपके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप नहीं देख पा रहे हो, निराश हो गए हो, तो वो लोग आपको दिखाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा समय जरूर बिताएं, आपके लिए बहुत बेटर होगा। आप अपने अंदर काफी चेंज महसूस करेंगे। ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। मार्च के महीने में कुछ कपड़े फट सकते हैं आपके, उसका ख्याल रखें। और कोई व्यक्ति आपका कपड़ा काट करके कहीं ले जा सकता है, तो उसका बहुत ध्यान रखिएगा जब भी आप कपड़े सुखा रहे हैं बाहर। आपने जो पीछे मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप थोड़े से निराश हो गए हैं, थोड़े परेशान हो गए हैं, बट आप चिंता मत करिए, मार्च के एंड में कुछ तो नया स्टार्ट है आपके लिए, कुछ तो है जो स्पेशल होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, जो आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा, जो आपको एक नया पैशन लेके आएगा आपके काम के प्रति, आपके जॉब के प्रति, आपके बिजनेस के प्रति। कुछ नया और कुछ डिफरेंट जो है वो आपको मिलने वाला है। अगर आपके बच्चे हैं धनु राशि के, तो आप उनके साथ कहीं ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ बॉल से आप खेल रहे हैं, या एडवेंचर पार्क वगैरह है, ऐसी किसी जगह जा सकते हैं। और इस समय में काफी कलरफुल दिख रहे हैं आप। मार्च के महीने में स्टार्ट तो थोड़ा सा ऐसा ही होगा आपका, लेकिन फिर आप बहुत ही कलरफुल महसूस कर रहे हैं। कलरफुल कपड़े पहनना, कलरफुल चीजें खरीदना, कलरफुल चीजें अपने आसपास रखना, तो उससे आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार के फ्रूट्स का कोई बागीचा है, या फ्रूट्स आप बेचते हैं, फ्रूट्स का शॉप है, या कोई काम है ऐसा जिसमें फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए विशेष लाभ मार्च का महीना लेकर के आएगा। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना मार्च का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपकी पोजीशन, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो बिगड़ते बिगड़ते अच्छी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा अरे कहीं डूब ही ना जाए, लेकिन भगवान जी की ऐसी कृपा होगी कि सब कुछ बहुत आराम से आपका निबट जाएगा, आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, और आपको पैसे से मोह तो वैसे भी है नहीं, और आने वाले समय में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे, आपका पैसा जो है वो बढ़ता रहेगा। तो एक अच्छी सिचुएशन है। बुरे से स्टार्ट होते होते, घबराहट होते होते, चीजें आपके लिए काफी अच्छी हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स बनते दिखाई दे रहे हैं, आप कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफी लोग तो मुझे कहीं बड़े मंदिर में जाते दिखाई दे रहे हैं, जो ऊंचाई पर है, ऐसे किसी मंदिर को आप विजिट करेंगे, ऐसी किसी जगह पे आप जाएंगे जहां पर ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है, वहां आप दर्शन करेंगे, और कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए तो काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको ना ऐसी फीलिंग भी आ सकती है जैसे आप कहीं के राजा हैं या रानी हैं,
कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, अंदर से काफी बैलेंस होंगे, बाहर से भी अच्छा महसूस करेंगे, तो ऐसी फीलिंग हो सकती है जैसे राजा जैसी फीलिंग आपको कुछ समय के लिए आ सकती है। इस समय में आप बहुत सारे काम एक साथ कर पाएंगे, जो चीज नहीं भी कर पा रहे थे, जो आपको लग रहा था अरे इसके लिए टाइम नहीं बचता, तो वो सब कुछ आप कर पाएंगे, यानी कि मैनेजमेंट स्किल आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अलग अलग क्षेत्रों को आराम से समय दे पाएंगे और हर चीज को बैलेंस कर पाएंगे। कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि इस चीज पे ध्यान दिया तो दूसरी चीज निकल गई, पर्सनल पे ध्यान दिया प्रोफेशनल निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ही बैलेंस से आप सारे कामों को, सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाओगे, ये मार्च के महीने में दिखाई दे रहा है। इस समय में आप किसी डिसीजन को लेंगे और बहुत स्ट्रांगली उस डिसीजन को लेंगे और बिल्कुल उस डिसीजन पे अड़ जाएंगे कि ये तो हमने करना है तो करना ही है, और आप उस डिसीजन से बहुत भीतर खुश महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत कलरफुल महसूस करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस मंथ में आपका मन करे जैसे कुछ रंगों को ज्यादा यूज करने का, कुछ रंग बिरंगे कपड़े पहनने का, या रंगों को ज्यादा यूज करने का मन इस समय में आपका करेगा। इस समय में आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी और ग्लो होगा जो कि लोगों को आपकी तरफ और ज्यादा खींचेगा। आप खुशहाल दिखेंगे, खुशहाल महसूस करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपकी खुशी से, आपके ऑरा से अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे। काफी सारे लोग आपके मन को देखेंगे कि आपका मन कितना पवित्र है, आपका मन कितना प्योर है, तो वो भी काफी लोग महसूस कर सकते हैं। आपका सोलर प्लेक्सिस जो चक्रा है वो स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। कुछ लोग मुझे रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप किसी चीज के लिए मैराथन वगैरह में भागें, या वैसे ही आपका रनिंग करने का मन करे, या कोई ट्रेडमिल वगैरह घर ला सकते हैं, या किसी जिम को ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भागते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर हो सकता है काम ही आपका इतना पेस पकड़ ले कि आपका काम ही दौड़ पड़े। अगर आप मकर राशि की लेडीज हैं तो इस समय में मोती खरीद सकते हैं, या मोती से संबंधित, या मोती जैसे आर्टिफिशियल या नेचुरल कोई ऐसी ज्वेलरी आप बना सकते हैं जिसमें मोती है, वो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में बस एक वार्निंग ये रहेगी कि आप अपने मन को देखते रहें। अगर आपको कोई अंदर से किसी चीज के प्रति आभास आ रहा है, कोई आपको कोई चीज बार बार संकेत दे रही है, तो उनको अनदेखा ना करें, वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि चीजें इतनी फास्ट होंगी मार्च के महीने में आपके लिए, और इतने सारे काम आप कर रहे होंगे, इतने डिसीजंस ले रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ संकेत आपसे मिस हो जाए, लेकिन उसको मिस मत करिए। अगर किसी भी प्रकार का संकेत आपको बार बार दिखाई देता है तो उस पे आपको एक्ट जरूर करना है। इस समय में नींद पूरी होना थोड़ी मुश्किल हो सकती है, नींद आने में दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत नींद भी आएगी लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि शायद कमिटमेंट और काम आपके इतने ज्यादा रहेंगे। अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई सपना देखा है तो उस सपने पर डटे रहें क्योंकि वो सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, और कहीं ना कहीं कुछ लेडीज आपको हेल्प करने के लिए आगे आएंगी जिनकी वजह से वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो अच्छा महीना है मार्च का, इसे एंजॉय कीजिए। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो कुंभ राशि वालों थोड़ा संभल के, आप मुझे ना गिरते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़े लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़े फिसलते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगर सिंगल हो तो प्यार में गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हो, तो मार्च के महीने में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के प्यार में ऐसा गिरे ऐसा गिरे कि कोई आपको उठाने वाला ना हो। बहुत से लोग हैं जिनका मन जो है वो इस समय में बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा, बहुत खुश रहेगा, और आप अपनी फीलिंग्स को पहचान सकेंगे, अपनी ट्रू फीलिंग्स से कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसा काफी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और जो पुरानी टेंशन वेंशन आपके सर पे चल रही थी वो तनने लगेगी, वो गिरने लगेगी मार्च के महीने में। इस समय में जो है आपको लोगों की तरफ से भी कुछ प्रपोजल या ऑफर मिल सकते हैं काम के संबंध में, कुछ काम कराने के लिए या फिर हेल्प के लिए, मतलब एक्चुअली तो वो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आपसे काम कराना चाहते हैं, और ज्यादा कुछ उसके बदले आपको देना भी नहीं चाहते हैं, या फिर आपको फ्री ही काम कराना चाहते हैं, तो उनके तरफ से आपको ऑफर, हेल्प की रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ होने वाला है जो आप कर भी देंगे। आप किसी ना किसी के हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय में जो है सुबह के समय में काफी लोगों की नींद खुल जाएगी, आपकी आंख खुल जाएगी और आपको काफी पॉजिटिव अच्छा लगेगा। हो सकता है सुबह उठ करके सूर्य दर्शन भी आप करें, और या फिर सुबह मॉर्निंग वॉक पे आप अपने पेट के साथ, अगर आपके घर में कोई डॉग है या कोई कैट है और कोई पेट है, तो
उसके साथ आप घूमने भी जा सकते हैं, अच्छा समय बिताएंगे। आपने जो भी मेहनत अब तक की है, उस मेहनत का फल जो है वो बस मिलने की कगार पे है, लेकिन आप लास्ट मोमेंट किसी चीज को छोड़ मत दीजिएगा। बस ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अगर आप छोड़ देंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे आपकी जॉब है, जॉब में बहुत ज्यादा आपने मेहनत करी है और उसका रिजल्ट अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो रिजल्ट आपके लिए तैयार है, वेट कर रहा है। और अगर आपने अभी क्विट कर दिया, अभी छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो फल है, वो जो आने वाले समय में वो आपको मिल सकता है, वो भी आपसे छूट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो आपके लिए फैमिली लाइफ इस समय बहुत अच्छी है। फैमिली के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं, कहीं आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोग जो हैं, लोग काफी बुरी नजरें आपके घर पर बनाए हुए हैं, तो अगर आप घर छोड़ करके कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ढंग से उसको ताला वगैरह लगा के प्रॉपरली लॉक करके थोड़ा सा आप करिएगा। या अगर आपके घर के आसपास या कोई टेनेंट है, या आपने किसी को रेंट पे दे रखा है और वो खाली नहीं कर रहा, तो थोड़ा ध्यान रखना, कोई कब्जे की दिक्कत हो सकती है, या कोई अपनी बाउंड्री वॉल आगे बढ़ा सकता है आपकी तरफ को और कब्जा कर सकता है। थोड़ा सा कुछ घर को लेकर के लोग जो हैं वो आसपास के बने हुए हैं, या पड़ोसी हो सकते हैं, वो आपकी तरफ गमले वगैरह रखते हैं, मतलब तो थोड़ा सा ऐसा अतिक्रमण जैसा फीलिंग आ रहा है। अगर आपने बहुत सारी शॉपिंग की है अभी कुछ समय में, तो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, और वो शॉपिंग जो है वो हो सकता है आपकी किसी वजह से काम ना आए, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो इस समय में अगर आपका किसी भी प्रकार का कोयले से संबंधित काम है, स्टील से संबंधित काम है, कोई फैक्ट्री है, मशीनरी है, या कहीं पर भी भट्टी, आग, इन सब चीजों का काम है, या पेट्रोल से संबंधित काम है, तो इन कामों में मार्च के महीने में लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस समय में आप धन को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष कर नहीं पाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्च का महीना उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप फिलहाल अभी इन चीजों को ना करें। कुछ स्पेशल लोगों के लिए मैसेज है, टैक्स संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है, तो बहुत अच्छे से अपने टैक्स कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करके अपना टैक्स वगैरह भरें, वरना वहां से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय में क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं रहेगी, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं रह पाएंगे, चाहेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा। कुछ लोग जो है वो अपना ड्रेसअप करेंगे, कुछ अच्छा किसी पार्टी के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो भी थोड़ा मेसी मेसी, क्लमजी क्लमजी सा, मतलब बहुत अच्छा लुक आपका नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, प्लान भी अपना तैयार रखें, दूसरा ड्रेस तैयार रखें। इस समय में कुछ लोग आपको डराने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया शत्रु हो सकते हैं या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर कुछ यूनिक टैलेंट है, उसको पहचानिए। आप बुरी से बुरी सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं, लोगों से प्यार से बात करके अपना काम निकाल सकते हैं, तो उसको आप यूज कीजिए। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। मार्च के महीने में मुझे काफी सारे लोग ध्यान की ओर आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। आप कोई साधना, कोई नया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोई मंत्र या मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेजरली काफी सारे लोग ध्यान के प्रति आकर्षित होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो काफी अच्छी रहेगी फैमिली लाइफ। आपके कुछ रिश्तेदार आपके घर पे इस समय में आ सकते हैं, कुछ तो बिन बुलाए भी हो सकते हैं कि अचानक से वो आपके घर पे आ जाए, लेकिन आपको उनसे प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि आपको सबकी सेवा करके अच्छा लगता है। इस समय में आप बहुत सारा ना खर्चा करने वाले हो, आप बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हो, कंफ्यूजन आपका इस समय में दूर हो जाएगा। जो कंफ्यूजन चल रहा था आपको काफी समय से, वो आपका दूर हो जाएगा। इमोशनली आप काफी स्टेबल हो जाएंगे। अगर आप बहुत समय से इमोशनल जल्दी हो रहे थे, टेंशन जल्दी ले रहे थे, आपको हर चीज को लेकर के दुख दुख होती थी, ज्यादा सोचते थे, तो वो सारी चीजें जो है वो बैलेंस में आएंगी। आप जो है इमोशनली काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, इमोशनली आप काफी हील हो जाएंगे इस समय में मार्च में, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। अगर आप किसी प्रकार की स्कॉलरशिप वगैरह लेना चाहते हैं, तो इस मंथ में आपको उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, या आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, या फिर अप्रैल में ये आपको इफेक्ट आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अच्छी चीज दिखाई दे रही है।
आप अपने घर को किसी तरीके से पत्तों से सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई पत्ते वगैरह आपके घर में आ रहे हैं, या कोई प्लांट आप नया लगा सकते हैं जिसमें काफी बेल हैं, इस तरह का कुछ हरी भरी चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय में आप जैसे बताए कंजूस तो बिल्कुल नहीं रहोगे, बहुत खुला खर्च करने वाले हो, तो पहले से थोड़ा मैनेजमेंट कर लेना पैसे का, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आपको हो सकते हैं इस समय में, अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो लोग आप पे विश्वास ना करें या आप लोगों पे विश्वास ना करें, कुछ ट्रस्ट इश्यूज आते दिखाई दे रहे हैं, कुछ विश्वास की दिक्कत दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है आपके और जो भी व्यक्ति के साथ आप डिसीजन लेना चाहते, चाहे वो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर है, या फिर आपका टीममेट है, आपका कोलीग है, कुछ मिसट्रस्ट दोनों को एक दूसरे पे होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पानी की समस्या इस समय में कुछ लोगों को हो सकती है, पानी से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या आप फ्लूट वगैरह बजाते हैं, या आप म्यूजिक से कनेक्टेड हैं, तो वो उस चीज़ में बहुत लाभ होता है इस महीने में दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हो सकता है कुछ लोग फ्लूट बजाना, बांसुरी बजाना सीख लें, या आपको बांसुरी म्यूजिक बहुत अच्छा लगे इस समय में, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर मीन राशि के बच्चे, छोटे बच्चे आपके घर में हैं, तो बबल गम जो होती है वो बबल गम मुझे वो कहीं चिपकाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि बालों में चिपक जाती है तो वो निकलती नहीं है। इस समय में अगर आपने किसी के भी प्रति कोई भी वैर भाव रखा हुआ है, शत्रुता का भाव रखा है, या आपको कुछ ऐसी चीजें हैं पास्ट में जो अच्छी नहीं लगी किसी व्यक्ति के साथ, तो आपकी कोई रिश्तेदारी में ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप फिर से बिल्टअप होना शुरू होगा। इस समय में थोड़ा टांगों में, थोड़ी बटक्स में, थोड़ी हिप्स में, थोड़ी थाइस में आपको भारीपन लग सकता है, थोड़ा वेट गेन हो सकता है, थोड़ा मीठा कम खाइए। रिलेशनशिप में अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, आपस में कोई मन मुटाव चल रहा है आपके और आपके लवर के बीच में, तो उसमें आप दोनों एक बीच के किसी रास्ते पे आएं, कोई सेटलमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, या किसी कॉमन ग्राउंड पे आप आएं। हो सकता है किसी एक ऐसी चीज़ के लिए आप किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे एक समरसता में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस से संबंधित बात करें, अगर सॉफ्ट टॉय का, किसी भी प्रकार का सॉफ्ट टॉय का आपका बिजनेस है, तो उसमें लाभ होता दिखाई दे रहा है। पानी से संबंधित है, या शीशे से संबंधित है, या किसी तरह की चमकती हुई वस्तु से संबंधित है, तो उसमें विशेष लोगों को इस मंथ लाभ होगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या आप खुद कोई टेडी बेयर वगैरह, कोई सॉफ्ट टॉय खरीद सकते हैं। इस समय जॉब में थोड़ा सा मन निराश हो सकता है, आपका मन नहीं लगेगा जॉब में, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये था आपके इस महीने का हाल। मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। मार्च का महीना आपके लिए बहुत शुभ जाए, आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर के आए, यही मेरी कामना है, यही आशीर्वाद है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।